अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सीरीज़। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, यानी कि रिग्रेट, पछतावे क्यों होते हैं, रिग्रेट्स क्यों होते हैं और किस तरह हम इनसे डील करें। तो आई नो वीडियो में थोड़ी डिले हो गया है और यूट्यूब की वीडियोस में यही होता है कि क्योंकि मुझे कॉन्टेंट में काम करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, इस वजह से कभी कभी जो है मेरी एपिसोड्स में थोड़ा डिले हो जाता है। इट्स ऑल फॉर गुड, राइट? सो आज हम ये बात करेंगे कि हम कैसे ना पछताएं, ठीक है? क्या ऐसी चीज़ें हम सोचें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब इंसान हैं और हम सब जो हैं एक तरह के ही जज्बात से डील करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में पछतावा कम से कम हो, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ हम जो भी चीज़ें हम वी आर सपोज टू फील या हमें महसूस करनी है, वो हम स्पेशली नेगेटिव हम उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। और वो कैसे, ये आप जान पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड ताकि हमें ये पता चल सके कि हम अपने आप को पछतावों से, रिग्रेट्स से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो नंबर वन चीज़ हमें अपने आप को बताने की ज़रूरत है और जिससे हमें बचने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। यानी कि ये वो एक क्रिटिसिज्म है जो हम अपना खुद करते हैं। हर वक्त अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं, मेरे से कोई काम सही नहीं होता, मैं जो है मेरे से कोई खुश नहीं है, मैं जो भी कर लूँ लोग खुश नहीं होते। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम अपने आप से करते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा मनफी असर होता है हमारे दिमाग पे और फिर इवेंचुअली हमारी सेहत पे। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है, हमें अपने दिमाग में एक चेक पोस्ट लगानी है जिसमें हम अपने आप को बताएंगे और अपने आप को कैच करेंगे फौरन जब भी हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होंगे। बिकॉज ये एक सबकॉन्शियस तरीका होता है, हमने अपने बड़ों को ऐसे करते देखा होता है, तो हम सबकॉन्शियसली या हमारे माहौल में ऐसे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, तो हम बगैर सोचे ऑटो मोड पर वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी हम कोई गलत काम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और हम अपनी उसको कॉन्शियस स्टेट में ले आते हैं, यानी कि हम कोई चीज़ लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं और हम उसके बारे में अवेयर हो जाएं और शऊर में ले आएं अपने, तो हमें उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो जिस दिन अगर हम सुबह उठते साथ ही अपने आप को ये बताएं कि हमने आज अपने आप से अपनी कोई बुराई नहीं करनी, ठीक है ना? क्योंकि जिस तरह हमें दूसरों की बुराई करने से मना किया गया है और ये अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव मनफी बातें, उसी तरह हमें अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी नेगेटिव सेल्फ असेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने अपनी गलतियों का अंदाज़ा लगाना, उसको असेस करना या उसका जायज़ा लेना एक तो एक बात होती है, और अपने आप को बुरा भला कहना, अपने आप को हर वक्त ये कहना कि मेरा ये ठीक नहीं है, नेगेटिवली अपने आप को करना और पछताते रहना कि मुझे इस सिचुएशन में ये करना चाहिए था, मुझे उस सिचुएशन में वो करना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर। बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये, दिस इज़ नॉट फेयर टू योर सेल्फ। सो हमें अपनी दिमाग में, अवेयरनेस में, अपनी नॉलेज में, शऊर में ये बात लेके आनी है कि हमने अपने आप को नेगेटिव सेल्फ जज नहीं करना। और नंबर दो बात ये है कि हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, अपने आप को इंसान समझें, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, सबसे गलतियाँ होती हैं। और जब भी आपसे गलती हो, अपने आप को ये समझाएं कि हाँ, सबसे पहले अपनी गलती को एक्नॉलेज करें, फिर जिस आपकी गलती से जिस जिस इंसान को नुकसान हुआ है, जिस भी किस्म का, इमोशनल, फाइनेंशियल, जैसा भी, उस इंसान से तहे दिल से माफ़ी मांगे और अपनी गलती की तलाफी करें, अमेंडमेंट करें। और उसके बाद जो है द बेस्ट अपॉलोजी, आप माफ़ी मांगेंगे, दैट्स चेंज्ड बिहेवियर। और जेन्युइन एफर्ट करें अपनी आदत बदलने की, या अपना फैसला अगर आपने गलत कर लिया उसको बदलने की, या फिर अगर आपकी किसी बात से लोगों की दिल आज़ारी हो रही है कि आप कोशिश करें कि दोबारा वो बात ना करें, तो उससे ये होगा, ये दो बातें करने से, कि आप अपने आप को कम जो है नेगेटिवली सेल्फ जज करेंगे। बिकॉज़ आप ये बताएंगे कि मैंने तो ये चीज़ सही की, और आप उसके अलावा जो है अपने आप को ये बताए, अपनी जब गलती की तलाफी करेंगे, बिहेवियर में चेंज करेंगे, तो आपको पछतावा भी कम होगा। तो ये तो थी आज की एपिसोड। अगले हफ्ते मैं ज़रूर ये बात करूँगी कि अगले क्या दो स्टेप्स हमें लेने चाहिए अपनी अपने ज़िंदगी में पछतावे को कम करने के लिए। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डूइंग व्हाट मैटर्स, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन और आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ डू व्हाट मैटर्स TV एंड ऑन माय फेसबुक पेज, वो तो आपको पता ही है। एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपनी ज़िंदगी से पछतावे कम करें, क्योंकि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी हुई उसको फ्यूचर में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट व्हाट मैटर्स। So do what matters and have a wonderful day.